सही अगर कोई साधु सगे तो मैं कल है कबीर साहब सच्चा देने जी उन्होंने पार्टी आज कल तुम आए नशे अपने उधर आओ आओ लेकिन आमीन साहब को सदहा मुबारक करोड़ मुबारक हर मुबारक हो कि इन्होंने जो रस्म थी उसको छोड़ा नहीं बल्कि जारी व सारी रखा। ये समाज के लिए एक ताज होता है, ऐसे लोग जो है समाज के ताज हैं। और अल्लाह ताला मैं दुआ करता हूँ कि अकबर दीन साहब की भी जिंदगी में बरकत दे और आमीन साहब की बरकत जिंदगी में बरकत दे और हमें इनके नक्श कदम पर चलकर जिंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाए। मैं ज्यादा आपके दरमियान हाज ना होते हुए किसी पे अफवाह करता हूँ और दुआ करता हूँ। मिलके इन्होंने एक अपना अपने जज्बात का इजहार किया तो मुझे तनवीर साहब कह रहे थे कि मेरे उस्ताद हैं। रात को इन्होंने पता नहीं कितने फ़ोन किए, 10 बजे के बाद सुबह भी मुझे फ़ोन करते हैं। मैंने कहा आपने मुझे पहले क्यों नहीं कहा कि उनकी रिटायरमेंट है, मुझे तो खबर भी नहीं। तो खैर मैं उस तरीके से पहुंचा, आप सबका शुक्रिया अदा करता हूं, आपका भी। और मैं इसके साथ मुझे कि 60 साल से मैंने 33 साल जो है ये छतराल में लगाए। अगर इंसान एक कमरे में एक दिन रहे तो दूसरे दिन दूसरे कमरे में जाने से जो मैंने किया मैंने कुछ भी नहीं किया। मैं अपने दिल की बात आपको बताऊं, मैं ये दिल में ये सोच रहा था कि अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये जो कद और ये जिसामत दी है अपने लिए तो मैं हूँ ही हूँ। तो अगर मेरे किसी काम से किसी आम आदमी का भला हो जाए तो मैं खुश होऊंगा। छतराल में रहकर अपनी ड्यूटी के दौरान मुझसे जो हो सका मैंने किया, कोई आसान वाली बात नहीं है। अब जितना हम इस प्रोग्राम को ने ये जो अपना